कांग्रेस लगातार 5 न्याय को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिसमें नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय जैसे न्याय शामिल है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कांग्रेस के 5 न्याय को रखा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया सिन्नेत ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस सबसे पहला न्याय युवा और महिलाओं के साथ करेगी। युवा न्याय के तरह हर युवा जो डिग्री और डिप्लोमा धारी है उसे सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा और महिलाओं को भी सालाना 1 लाख देकर उनके साथ न्याय किया जाएगा। भाजपा के पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं और तब राष्ट्रीय बजट की चिंता नहीं की जाती है, लेकिन जनता के लिए इनका राष्ट्रीय बजट कम पड़ जाता है। 16 लाख करोड़ जब अमीरों के माफ किए थे तब राष्ट्र का बजट याद आया था, जब कॉर्पोरेट टैक्स कट करके 22% पर ले आए थे और 1 साल में 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, तब याद आया था राष्ट्र का बजट। जब गरीब की बात होगी, किसान की बात होगी, महिला की बात होगी, गरीब की बात होगी, राष्ट्र का बजट याद आ जाता है। हम वो पार्टी है जिन्होंने आपसे बहुत ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था चलाई है और हमें पता है इसका पैसा कैसे आएगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, आइडेंटिफाई किया है इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे। हम आपकी तरह जुमले नहीं बोलते हैं। 500 मिलेगा गैस का, कहां है 500 की गैस छत्तीसगढ़ में? आपने कहा महतारी बंधन के अंतर्गत 1,000 रुपए महीने का मिलेगा, एक किश्त दी है, 80% लोगों को दूसरी किश्त मिली नहीं है। अगर मिली है तो जानकारी की सूची कर दीजिए जारी, क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी जुमले फेंकती है, दूसरों को भी समझती है जुमलेबाज। हम गारंटी देते हैं और काम करते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे समय टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।